हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर दुर्गा प्रसाद। आज हम टेंथ का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। हम इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें वो देखेंगे बाय क्रेमर रूल्स, जो कि दो मेथड में डिवाइडेड है, जो है सब्स्टिट्यूशन और है दूसरा साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। हम लोग इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करें साइमल्टेनियस इक्वेशन को वो भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग किसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे चेंज करें वो भी देखेंगे। लास्ट में देखेंगे अप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है अ एल्जेब्रिक इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल एंड ईच टर्म हैज़ द डिग्री वन। डिग्री वन होने चाहिए और टू वेरिएबल होना चाहिए, ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप अपने बुक के पेज नंबर वन में ये डेफिनेशन देख सकते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस प्रकार होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये एक जनरल फॉर्म है वेयर ए बी सी आर द रियल नंबर्स एंड ए एंड बी आर नॉट इक्वल्स टू जीरो। देखो ए और बी जीरो नहीं हो सकता। अगर हमने ए को जीरो मान लिए तो एक्स का जो टर्म है वो भी जीरो हो जाएगा, मीन्स जीरो इंटू एक्स जीरो। तो यहां पे एक्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएंगी, मतलब ये ए की इक्वेशन में आ जाएगा ना। मीन्स ये इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल रह जाएगा जो कि रहेगा वाई। तो हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोल पाएंगे। सिमिलरली अगर बी की वैल्यू जीरो हो जाएंगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, y की टर्म पूरी जीरो हो जाएंगी। मींस क्या हो जाएगा, सिर्फ ये जो इक्वेशन है सिर्फ x में रह जाएगा, सिर्फ एक वेरिएबल में रह जाएगा। तो हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोल पाएंगे। दैट्स वाई a एंड b आर नॉट इक्वल्स टू जीरो। और यहां पे जो a है वो x का कोएफिशिएंट है और b जो है वो y का कोएफिशिएंट है। जनरल फॉर्म तो देख लिए, हम इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। ठीक है, देखो हमको बनाना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो हमारा सबसे पहले दो वेरिएबल डिसाइड कर लो, से एक्स एंड वाई। ठीक है, और हमारा ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर लिख लीजिए। से मैंने यहाँ पे ले लिया थ्री, इसको ले लिया फोर, हमारा सी ले लिया हमने टेन, विच इज इक्वल्स टू जीरो। इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। और साइन यहाँ पे प्लस लो या माइनस लो, प्लस लो या माइनस लो, या माइनस लो या प्लस लो। ठीक है, ये हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो इनका इसका पावर जो डिग्री है, डिग्री वो भी क्या है, वन है। ईच टर्म की डिग्री वन है, एक्स का पावर वन है, वाई का पावर वन है, और ये तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे वेरिएबल की जरूरत नहीं है, नहीं तो थ्री लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल बन जाता। दो वेरिएबल आ गए, उनका डिग्री वन आ गया, तो डिग्री वन आया तो बोलेंगे हम लोग लीनियर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे ही हम लोग कोई भी और एग्जाम्पल सकते थे, से माइनस फोर जेड प्लस थ्री ए माइनस हंड्रेड इज इक्वल्स टू जीरो। इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं। आइए पेज नंबर वन की एक्टिविटी करते हैं। देखिए यहां पे एक्टिविटी में लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और वहां पे एक टेबल दिया हुआ है, वहां पे नंबर दिया हुआ है, नंबर का कॉलम दिया हुआ है, इक्वेशन का कॉलम दिया हुआ है, और आखिरी कॉलम में दिया हुआ है इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मीन्स हमें यह बताना है कि जो इक्वेशन वाला कॉलम है ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं। पहला नंबर देखते हैं, 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो इसके सामने लिखा हुआ यस, इसके सामने लिखा हुआ यस, दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। चेक करते अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है, दो वेरिएबल होना चाहिए। दो वेरिएबल है क्या, हाँ है, दैट इज m एंड n, दो वेरिएबल है। उसके बाद हमें ये देखना है कि उनकी डिग्री वन है या नहीं। तो m, देखो m का पावर भी वन है, n का पावर भी वन है, मींस इसका पावर वन है, मींस ये लीनियर है और इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखिए यहाँ पे c की वैल्यू इक्वल्स टू 12 दी है, और हमने इक्वेशन में डेफिनेशन में इक्वल्स टू जीरो बताई थी, तो 12 है। अगर उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाएंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो c की वैल्यू है उसको उसने राइट हैंड साइड में लिखा है, तो ऐसा चलता है। इक्वेशन नंबर टू देखते हैं, 3x square
प्लस 7y इक्वल्स टू 13। फिर से डेफिनेशन थ्रू जाऊं, डेफिनेशन क्या बोलता है कि दो वेरिएबल होना चाहिए, है क्या दो वेरिएबल, हाँ है, देखिए x एंड y दो वेरिएबल है, c भी है, c यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में है, तो चलता है राइट हैंड साइड में रहे या लेफ्ट हैंड साइड में रहे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी डिग्री वन है कि नहीं, हर ईच टर्म की डिग्री वन है या नहीं। देखिए x का जो पावर है वो 2 है, दैट मीन्स डिग्री यहाँ पे क्या हो गई 2। तो ये दोस्तों लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। थर्ड देखते हैं, रूट टू एक्स माइनस रूट फाइव वाई इक्वल्स टू 16। फिर से डेफिनेशन के से जाएंगे हम लोग आगे, दो वेरिएबल है क्या, हाँ है, दैट इज x एंड y, क्या उनकी डिग्री 1 है, हाँ डिग्री उसकी 1 है, दैट्स वाई ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस। फोर्थ देखो, वहां लिखा है 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। देखिए हमने डेफिनेशन में ये बोला था कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर एंड ए एंड बी आर नॉट इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो 0 है, मतलब a 0 है, इसका मतलब x का टर्म भी क्या हो गया 0। दैट्स वाई ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नो। नेक्स्ट देखते हैं, 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इक्वल्स टू 0। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ऊपर वाले टर्म में a 0 था, ये वाले टर्म में b 0 है, दैट्स वाई ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा, आंसर होगा नो। सिक्स नंबर का इक्वेशन देखते हैं, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 4। डेफिनेशन क्या बोलती है, दो वेरिएबल है क्या, हाँ है, x एंड y, डिग्री 1 है क्या, हाँ उसकी डिग्री भी 1 है, दैट्स वाई ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुई। सेवेंथ इक्वेशन देखते हैं, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। देखिए अब हमको यहाँ पे निकालना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। सबसे पहले देखेंगे क्या दो वेरिएबल है क्या, हाँ है, सिर्फ x एंड y दो वेरिएबल है, क्या इनकी डिग्री 1 है क्या वो देखते हैं। तो देखिए 4xy, x का पावर कितना हुआ 1, y का पावर कितना हुआ 1, तो डिग्री क्या होती है, जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होती है तो उनके पावरों का एडिशन वो उस टर्म का डिग्री कहलाता है। तो x का पावर 1, y का पावर 1 उनको एडिशन कर देंगे तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएंगी 2। तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री तो 1 होनी चाहिए, लेकिन इसकी क्या है 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे नो। आइए देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक्स पेज नंबर 2 के कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो कि है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x प्लस y इक्वल्स टू 2। इसे दो मेथड से सॉल्व किया गया है, पहला मेथड है साइमल्टेनियसली और दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन। तो आइए देखते हैं पहला मेथड फर्स्ट, जो कि है साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ सॉल्व करना। तो पहला इक्वेशन हम लिख लेते हैं 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेकेंड इक्वेशन दिए हमने 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, इसको दिए हमने इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसे साइमल्टेनियसली से सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको x का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा या तो y का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को सेम नहीं कर सकते एक बार में, लेकिन हमको या तो x का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा या तो y का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 3 है, अगर हमने दूसरे इक्वेशन में थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 3y प्लस 6, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। हमको इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा ये 3 से हर ईच टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई 3x से होगा तो क्या हो जाएगा 9x,
थ्री का मल्टीप्लाई वाई से होगा तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री वाई, और थ्री का मल्टीप्लाई टू से हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये सिक्स। तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन में चेंज हो गया, तो इस इक्वेशन को हम लोग नया इक्वेशन दे देंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर थ्री। देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, ये अलग इक्वेशन नहीं है, हमने इसी इक्वेशन को इसी इक्वेशन में चेंज किया है। तो ये इक्वेशन की जो टर्म है वो अलग दिख रहे हैं लेकिन इक्वेशन की वैल्यू सेम है। तो हमारे पास कौन से दो इक्वेशन हो गए, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर थ्री। हम लोग इक्वेशन नंबर थ्री को इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इसमें वाई का कोएफिशिएंट और इसमें वाई का कोएफिशिएंट सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर थ्री को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि इनके साइन अपोजिट है तो ऐड करना, अगर इसके साइन सेम रहेंगे तो क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन वन एंड थ्री, इक्वेशन वन को इक्वेशन थ्री से ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर वन क्या है हमारा, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, और इक्वेशन नंबर थ्री क्या है, देखो एक के नीचे एक लिखना, तो इसके नीचे जस्ट इक्वेशन नंबर थ्री लिखेंगे, दैट इज 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 5x प्लस 9x, 5x प्लस 9x तो कितना हो जाएगा 14x माइनस 3y प्लस 3y, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 3y क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे और क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, और इक्वल्स टू क्या बच जाएगा 8 प्लस 6 दैट इज 14। मीन्स क्या हुआ, 14x इक्वल्स टू 14, देयरफोर वी कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 14/14 दैट इज 1। तो x की वैल्यू कितनी हुई दोस्तों, 1, हमारी x की वैल्यू निकल गई। अब ये x की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएंगे, y की वैल्यू। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है दोस्तों, 3x प्लस y इक्वल्स टू 2, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 3 है इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां क्या बच जाएगा वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी 2 माइनस 3 दैट इज -1। तो हम इस रिजल्ट और इस रिजल्ट से बोल सकते हैं सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1, या फिर हम लोग इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट एज x, y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है 1, y की कितनी वैल्यू है -1। इस प्रकार से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत ही आसान होता है सॉल्व करना रेदर देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए देखते हैं मेथड नंबर 2 जो कि है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दे देंगे, दैट इज 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या हुआ, 3x प्लस y इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखिए सब्स्टिट्यूट मेथड में हम लोग करते क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि वो इक्वेशन पूरा का पूरा एक वेरिएबल में आ जाएगा। देखते हैं कैसे, हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स y की वैल्यू को एक साइड रख देंगे, बाकी टर्म को दूसरी साइड ले जा लेंगे। तो y की वैल्यू एक साइड रख देंगे, यहाँ पे 2 है, ये 3x है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या होगा -3x। तो y की वैल्यू क्या हो गई, y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3।
अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर थ्री इन इक्वेशन नंबर वन। हम लोग इक्वेशन नंबर थ्री को इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो, इक्वेशन नंबर थ्री को सब्स्टिट्यूट करना मतलब y की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करना, मीन्स y के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 - 3x। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 5x एज इट इज रहेगा माइनस 3, और y के जगह क्या लिखेंगे, 2 - 3x विच इज इक्वल्स टू 8। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5x माइनस माइनस 3 इंटू 2 दैट इज माइनस 6, माइनस 3 इंटू माइनस 3x दैट इज प्लस 9x इज इक्वल्स टू 8। जो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एक साइड ले जा लो, और जो जो वेरिएबल है उसको एक साइड रहने दो। मींस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5x प्लस 9x इज इक्वल्स टू 8 + 6। 5x प्लस 9x दैट इज 14x इज इक्वल्स टू 8 + 6 दैट इज 14। हमको x की वैल्यू निकालना है, देखिए 14x से मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मीन्स 14 / 14 therefore x is equals to 1। देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमें क्या मिल जाएंगी, y की वैल्यू। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पुट x equals to 1 इन इक्वेशन 3। देखिए आप 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन उस इक्वेशन में पुट करना जिससे आपका आंसर बहुत इजीली आए। तो ये इक्वेशन इन y है, देखो y एक साइड है पहले से, तो हमको यहाँ पे रीअरेंज करने की जरूरत भी नहीं है, तो डायरेक्टली हमको क्या मिल जाएगा, y। तो हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू 2 - 3 × 1। देखिए x की जगह मैंने क्या लिखा, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 - 3 विच इज इक्वल्स टू -1। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, -1। तो हम लोग इस इक्वेशन और एक इस इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं, सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू -1, और x कॉमा y इज इक्वल्स टू 1 - 1। तो इस प्रकार हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 में एग्जांपल नंबर 2 जो है वो फिलिंग द ब्लैंक टाइप है। तो आई होप जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सप्लेन किया है आप उसे देखकर एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, वो है 15x + 17y = 21, 17x + 15y = 11। ये दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसे हमें सॉल्व करना है। देखिए इसे सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन इसका एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखो हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले तो ये इक्वेशन लिख लेंगे और इक्वेशन वन एंड टू से दे देंगे। क्या करेंगे, 15x + 17y = 21, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या हुआ, 17x + 15y = 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमने क्या बताए थे आपको, सेवनटीन सॉल्व करने के, इनका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, या तो x का या तो y का, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अभी देखो y का कोएफिशिएंट 17 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 15 है, इनका सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा अगर बनाना है तो। पहले इक्वेशन में क्या था, 3 था कोएफिशिएंट और 1 का 1 था, तो 3 और 1 का जो एलसीएम है वो 3 होता है, दैट्स व्हाई हमने उसको 3 में चेंज किए थे। लेकिन 17 और 15 का जो एलसीएम होता है वो 17 × 15 होता है, दैट इज 2। अगर हमने इसको 255 में चेंज किए तो इसको भी 255 में चेंज करना पड़ेगा, मतलब हमको इस इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नंबर क्या होगा, बहुत बड़ा आ जाएगा। अगर आपको वैसा सॉल्व करना है तो वैसा भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 15 से मल्टीप्लाई करना और इक्वेशन नंबर 2 को
17 से मल्टीप्लाई करना, तो दो नए इक्वेशन आएंगे और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो आपका एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएंगी। उसके अलावा और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को ऐड कर लेंगे। मैंने क्या लिखा, बाय एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, हमने क्या किया, इक्वेशन वन और टू को ऐड कर लिए, तो क्या हुआ 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21 और 17x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 11। इसको क्या करें, हमने ऐड किए, तो राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा और लेफ्ट हैंड साइड के साथ और लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। 15x प्लस 17y इनका एडिशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 32x। सिमिलरली इनका एडिशन करेंगे तो क्या होगा 32y और इनका एडिशन करेंगे तो ये भी क्या होगा 32। देखो सब में 32 कॉमन है तो हम लोग बोल सकते हैं डिवाइड थ्रू आउट बाय 32, मतलब पूरे इक्वेशन को 32 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सभी नंबर अगर 32 से डिवाइड होंगे तो 32 हट जाएंगे, उसके जगह क्या जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा, तो इक्वेशन क्या बच जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। देखिए इसको भी 32 से डिवाइड करें, इसको भी 32 से डिवाइड किए, इसको भी 32 से डिवाइड किए, तो 32 कैंसल, यहाँ पे भी 32 कैंसल, यहाँ पे भी 32 कैंसल, तो क्या बच जाएगा, ओनली x प्लस वाई और 32 कैंसल, मतलब 1 बच जाएगा, तो 1 हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इसे आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं और मैं तो चाहता हूँ कि आप ओरली सॉल्व करें इसे। अब देखिए अब मेरे पास नया इक्वेशन बन गया, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। हमने इन दोनों को ऐड किए तो हमें नया इक्वेशन मिला x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब हम दोनों इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते, दैट इज 15x प्लस 17y इक्वल्स टू 21। दूसरा इक्वेशन लिखेंगे 17x प्लस 15y इक्वल्स टू 11 और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकंड इक्वेशन रहता है उसका सबका साइन चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए क्या होगा, 15x माइनस 17x, देखिए ये पहले प्लस था तो माइनस हो गया ना, तो 15x माइनस 17x, 15 माइनस 17 दैट इज माइनस 2x, फिर क्या हुआ 17y माइनस 15y, पहले प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस 17y माइनस 15y, तो क्या हो जाएगा प्लस 2y, और फिर क्या हुआ 21 माइनस 11, प्लस था माइनस हो गया, 21 माइनस 11 दैट इज इक्वल्स टू 10। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये भी 10 है, 10 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग थ्रू आउट बाय क्या करेंगे, डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 कर देंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइड थ्रू आउट बाय 2। हमने पूरे इक्वेशन को 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए इसको, तो क्या होगा, इसको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा माइनस एक्स और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ वाई, 10 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 5, तो नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, विच इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 2 किए ना अपन ने, इसको भी डिवाइड बाय 2 किए, सबको डिवाइड बाय 2 किए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, सिर्फ माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या बच गया, सिर्फ वाई, 10 डिवाइड बाय 2 क्या बच गया, 5। लेकिन इसको यहाँ पे लिखना नहीं है, इसको ओरल कैलकुलेशन करना है या फिर रफ कैलकुलेशन करना है। अब हमारे पास दो नए इक्वेशन आ गए, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना साइमल्टेनियसली। देखिए यहाँ पे प्लस एक्स है और यहाँ पे माइनस एक्स है, तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, वाई प्लस वाई मतलब 2y हो जाएगा,
हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि साइन अपोजिट है तो ऐड करेंगे, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x + y = 1 - x + y = 5। एडिंग करना है मतलब ऐड, तो ऐड करते वक्त साइन चेंज नहीं होता है, तो x - x दैट इज 0 मतलब कैंसिल हो जाएगा, y + y = 2y, 1 + 5 = 6, तो 2y = 6, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो y = 6/2 हम लोग बोल सकते हैं, therefore y = 3, मीन्स हमें y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू को हम लोग कोई भी इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएंगी, तो मैं क्या करूँगा, पुट y = 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो है बहुत छोटा सा है, बहुत इजी सा है, इसलिए इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया मैंने। तो क्या करेंगे, x को x ही लिखेंगे, प्लस y की वैल्यू कितनी है, 3 = 1, प्लस 3 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3, तो x = क्या होगा, 1 - 3 that is = -2, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2। तो हम लोग इन दोनों को देखकर बोल सकते हैं सॉल्यूशन is x = -2 y = 3। इस प्रकार हम इस इक्वेशन को इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये फिलिंग द ब्लैंक टाइप का है, अभी हमने जो दो प्रॉब्लम सॉल्व किए उसी के आधार पर इसको सॉल्व करेंगे, उसी को देखते हुए इसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, ये इक्वेशन हमारा 5x, पहला इक्वेशन क्या है, 5x + 3y = 9, सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2, मीन्स ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। देखिए दोनों इक्वेशन को हमने क्या करें, ऐड करें, तो उसके बाद यहाँ पे बॉक्स आ गया, दैट इज हमें इसको फिल करना है, ये एम्प्टी बॉक्स है, इसको हमें फिल करना है। देखिए ऐड करें हमने 5x + 2x, तो क्या हो जाएगा 7x, x ऑलरेडी लिखा हुआ, तो यहाँ पे बॉक्स में क्या जाएगा 7, प्लस 3y - 3y कैंसिल, इसलिए यहाँ पे y लिखा हुआ नहीं है, 9 + 12 = 21। अब देखिए सेवन एक्स इक्वल्स टू ट्वेंटी वन है, तो x = क्या होगा, 21/7, तो क्या होगा यहाँ पे 21/7। 21/7 सॉल्व करेंगे तो 21 जो है 7 से 3 टाइम डिविजिबल है, तो हम लोग इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएंगी, 3। फिर हम बोलेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1, x की वैल्यू जो 3 है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5x + 3y = 9, 5 × x, x की वैल्यू कितनी है 3, तो हमने यहाँ पे क्या किए, 3 पुट किए, प्लस 3y = 9, हमको y की वैल्यू निकालना है, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 3y को हमने एक साइड रखे, बाकी सबको दूसरी साइड लेकर गए, 9, 5 × 3 = 15, और वो उधर जाएगा तो क्या होगा, -15, तो माइनस तो आ गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 15, दैट इज 9 - 15, 9 - 15 करेंगे तो क्या आएगा, -6। फिर क्या होगा, 3y = -6, तो y = क्या होगा, -6/3, -6/3 करोगे तो क्या आएगा, -2। तो हमारा आंसर क्या हुआ, x = 3 and y = -2, तो हम लोग बोलेंगे therefore solution is x, y, x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है -2। तो इस टाइप से हम लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप सॉल्व करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो वो बहुत ही आसान होते हैं, 2 मार्क्स से ज़्यादा के क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये बहुत जैकपॉट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये आ गए हमारे मार्क फिक्स हो गए। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।